मेरा भाई है, मेरा भाई छोटा भाई है, 30-35 साल का भाई है मेरा। तीन बच्चे है छोटे छोटे, 6 महीने का बच्चा है अवेश है, अवेश फरीद बोलते घर को घर राउंड के बहन के पास है, उसके पास है बहन। इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ इंतजाम नहीं, कुछ जान लेंगे क्या कैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, सेंट्रल का भी कंट्रोल नहीं है आपके पास। कम से कम दूसरों की जानों की तो हिफाजत के पटरियों पे पड़ी हुई भाई, कोई आए नहीं अभी तक, रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को बोले गए भाई वो लोग जब तक नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोला ठीक है वो लोग आएंगे, डेड बॉडी भी जो सो ट्रेन के पटरियों के ऊपर है, आवाम पकड़ के हटा दी डेड बॉडी को, नहीं तो वो दूसरी ट्रेन भी आ गई तो जो सो क्या होगा बोलिए। इतना तो भी कम से कम ये करना, कोई नहीं कैसे आके ट्रेन चले गई, वो नहीं ट्रेन तो चली गई, ट्रेन रुकी नहीं, ट्रेन नहीं रुकी, सब आम मुल्क जो होते मोहल्ले के बच्चे मिलकर ताउन करके पूरे हटा दिए हम वहाँ। यहाँ की पुलिस को बोले तो हम लोग नहीं चीते, तो एक आदमी आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उनके छोटे मासूम बच्चे है, कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, दूसरों को हादसे से ना हो। और मासूम बच्चे स्कूल के काले जहाँ बाजू पीछे ट्रेन के पटरियों के बाजू बच्चे जाते रहते हैं स्कूल से, कोई 1 से 4 सिक्योरिटी को रखो उस टाइम पे ट्रेन आते वक्त, सिक्योरिटी का तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। अंधाधुन यानी फिजबिल्ला छोड़ दिए, मरें दो जिंदो हमको मतलब ही नहीं है, हमारे ब्रिजा बनेंगे हमारे कई के फायदा, क्या फायदा तुम्हारा ब्रिज बन के आओ हम के लिए। ये एरिया मैलारदेपल्ली डिवीजन तोकला श्रीनिवास रेड्डी मैलारदेपल्ली कॉर्पोरेटर है, कोई एमएलए ना कोई कॉर्पोरेटर नहीं, कोई हमारे लिए ताऊ नहीं है भैया। और एक जो एरिया जो है ना हमारे एमपी रंजीत रेड्डी साहब है यहाँ पर, हमारे को ये गेट के तरफ से सुबह का टाइम जो बच्चे स्कूल को आना जाना, पब्लिक आना जाना, लेबर वर्क काम करने वाले उनके तरफ से यहाँ पे गेट के अंदर इतनी तकलीफ हो रही है। सुबह इससे पहले भी 8-10 दिन पहले हादसा हुआ होते बचा, ये गेटमैन के हाथ के ऊपर विजिल इन लोग क्या करते हैं, हमें गेटमैन की लापरवाही है, बाहर निकलता ने विजिल मारता ने, विजिल मारा भी तो डोर के सामने डर के फ्यू बोल के बजा के चले आता भाई। गाड़ी आने से पहले ठहरी के 2-4 विजिल ज़्यादा मार लेता तो किसी की जान बच जा सकती ना भाई। दूर पर रहने से गाड़ी आदमी समझ रहा दूर है बोल के, गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा रहती, पास हो तक लग जाती गाड़ी, तो इसका काम है रुकाना, जो मरने वाला कैसा भी मर जाता। मर गिन का क्या नाम है? मारून का नाम इम्तियाज भाई है, कहाँ के रहने वाले? मुगल्स कॉलोनी 6 नंबर गली में रहते हैं। क्या काम करते हैं? वो काम क्या करते हैं? मैरिज है वो? हाँ मैरिड है, उनके तीन बच्चे हैं उनके। कितने बजे हादसा हुआ? ये मगरिब के बाद हादसा हुआ है, मगरिब के बाद 5-10 मिनट के अंदर बाहर हादसा हुआ है। रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं मुगल्स कॉलोनी में रहने वाला हूँ, मेरा घर रेलवे ट्रैक के ये तरफ है, राइट साइड में मुगल्स कॉलोनी लगता, लेफ्ट साइड में शास्तीपुरम वट्टापल्ली की तरफ लगता। अब आने जाने में काफ़ी लोगों को दुश्वारी हो रही है, आज इतना बड़ा हादसा हो गया कि अगर आप लोग अभी अगर सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। एक नौजवान इंसान यहाँ से ट्रेन जा रहे, ट्रेन यहाँ से जाने के लिए कुछ काम के लिए गुजर रहा था, लेकिन अचानक से ट्रेन आ गई, ट्रेन आने की वजह से आदमी बीच में से टुकड़े टुकड़े हो गया, तो बहुत दिल दहलाने वाला है वाकया। हमारे खुद अच्छा नहीं दिख रहा, हमारे महल्ले के थे उन्होंने, अगर हमारे महल्ले में अगर किसी को तकलीफ़ हो गई तो हमारे भी बहुत तकलीफ़ हो जाती, हमारे घर वालों की भी बहुत तकलीफ़ होती, सारे मुसलमानों को सारे आलम को तकलीफ़ होती। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स है या जो जो भी MP साहब है, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट है और हमारे KTR साहब KCR साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द थोड़ा नज़र डालिए, थोड़ा तवज्जो दीजिए। इससे पहले थोड़े दिन पहले मेरा छोटा भाई है ऐसा, यहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस से अचानक रेल ट्रेन आ गई। अच्छा हमारे एरिया MP तो असदुद्दीन अवैसी साहब ही है, हैदराबाद के MP। हैदराबाद के नहीं है, एरिया कौन से किस में आता? ये एरिया राजन नगर में आता, राजन नगर यहाँ पे प्रकाशगढ़। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो MP को तो नहीं देखे, MLA साहब प्रकाशगढ़ है, लेकिन रंजीत रेड्डी है, कौन है हमको नहीं मालूम है, हम आज तक देखे भी नहीं। मगर मेरा बोलने का मतलब ये है, ये मेरा छोटा भाई है, इन्होंने सामने से फैमिली जा रही तो अचानक ट्रेन आ गई, अचानक ट्रेन आने की तरफ से 1-2 बच्चे उधर हो गए, 2 बच्चे इधर हो गए, इन्होंने अकेले बीच में हो गए थे, इन्होंने भी जो है ना एक मूवमेंट देख के इन्होंने हट गए, तो वो हिसाब से हमारे साथ भी ये वाकया होने वाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये वाकया नहीं हुआ। लेकिन आज बहुत बड़ा वाकया, मुगल्स कॉलोनी में रहते बेचारे उनके साथ बहुत बड़ा वाकया हुआ, मैं आंखों से देखा तो मेरे को भी बहुत तकलीफ हो गई। आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम कराए, या नहीं तो यहाँ इसको पूरे हमेशा के वास्ते पूरा रोक दीजिए, या नहीं तो हमेशा के वास्ते काम चालू कर दीजिए। 3 महीने में काम होता बोल के बोले, लेकिन 3 महीने में कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए यहाँ से, एक पैसे का काम नहीं हुआ, खाली थोड़ा खाली पिलर उठा दिए खामोश चले गए। इसमें पब्लिक को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुड्ढों को, सबको परेशानी हो रही। ठीक है, चलिए अल्लाह।